नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आपको याद होगा कि हाल ही में बाबा का ढाबा हर जगह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। लेकिन अब आपको बताते चलें कि बाबा का ढाबा का वीडियो बनाने वाले जो यूट्यूबर थे उनके खिलाफ बाबा का ढाबा के मालिक ने ही शिकायत दर्ज कराई है। ऐसा क्यों किया, आपको बताते हैं। प्रसाद ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर गौरव वासन के डोनेशन के पैसों की हेराफेरी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। हाल ही में बाबा का ढाबा के एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा किए जाने के बाद वो फेमस हो गए थे। वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दुकान न चल पाने से आर्थिक तंगी को लेकर अपनी व्यथा बताई थी। उन्होंने यूट्यूबर वासन के सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में अपने संघर्ष के बारे में बात की थी। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में प्रसाद ने कहा कि वासन ने उनका वीडियो शूट किया और इसे ऑनलाइन पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर जनता को उन्हें पैसे देने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि वासन ने जानबूझकर केवल अपने और अपने परिवार और दोस्तों के बैंक विवरण और मोबाइल डिटेल्स दानदाताओं के साथ साझा किए और शिकायतकर्ता को कोई भी जानकारी प्रदान किए बिना विभिन्न प्रकार के भुगतानों के माध्यम से दान की भारी राशि एकत्र की। इस बीच गौरव वासन ने भी अपने YouTube पर दावा किया है कि उन्होंने कोई भी बेईमानी नहीं की है और अपनी बात को साबित करने के लिए वो जल्द ही एक वीडियो के रूप में बैंक का वेरिफाइड स्टेटमेंट अपलोड भी करेंगे। ये वही यूट्यूबर हैं गौरव वासन, जिन्होंने बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद और उनकी पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसके बाद वो लगातार वायरल होने लगा था और लोगों ने उनकी मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाए थे। लेकिन अब कांता प्रसाद ने उन्हीं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर।